चिलुआ थाना क्षेत्र के मजनू चौकी अंतर्गत गोविंदपुर टिकरिया गांव के तालाब में 27 सितंबर से एक मगरमच्छ की दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई थी। यह मगरमच्छ राप्ती नदी से आया हुआ था और लगभग 8 फीट लंबा था। ग्राम प्रधान सुजीत सिंह ने गाँव वासियों को सतर्क रहने के लिए कहा और वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन तालाब में अधिक पानी होने के कारण इसमें सफलता नहीं मिल पाई। ग्राम प्रधान ने तालाब का पानी पंपिंग सेट से निकालने का कार्य शुरू करवाया। जब पानी का स्तर कम हुआ तो वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ने में कामयाब रहे। गाँव के लोगों की सुरक्षा के लिए मजनू चौकी के पुलिस भी मौके पर तैनात रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नागरिक अखिलेश कुमार यादव ने कहा, जलकुंभी निकाला गया, मशीन लगा के पानी निकाला गया इसका, उसके बाद वन विभाग रेस्क्यू करके लेके जा रही है। आज कितनी देर मशक्कत करनी पड़ी वन विभाग? आज सुबह से पानी निकाला जा रहा है। सुबह से पानी निकलने के बाद वो भी 3-4 घंटा हो गया। आप यहाँ आए थे, देख ही रहे हैं 4 घंटे से कितना उसको निकाला गया। अब मान लीजिए पुलिस यूपीपी भी आई है और उसके बाद फॉरेस्ट विभाग भी आए हैं, उनके भी फोर्स आए हैं। जो पकड़ने वाले थे ये लोग कुल मिला के 10-20 लोग तो थे ही। मतलब काफी मशक्कत के बाद पकड़ने आए हैं। हाँ, राहत तो बहुत राहत, कम से कम 9 दिन से जो जाग रहे हैं हम लोग, अब तो चैन की नींद सोएंगे ना। जगह बताइए, नाम बताइए। ये ग्राम टिकरिया जगत बेला रेलवे स्टेशन के पास। आप, मेरा नाम अखिलेश कुमार यादव। आप प्रार्थना होगी स्वीकार, जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।